सो गाइज, अगर आप भी चाहते हो नो कॉपीराइट म्यूजिक की यूज करना, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज मैं इस वीडियो पे यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे नो कॉपीराइट म्यूजिक की यूज कर सकते हैं, वो भी फ्री में। गाइज, आज तक मैंने जितने भी म्यूजिक यूज किया हूँ वो बिल्कुल फ्री रहे हैं, मैंने किसी भी तरीके से कोई भी पैसा पेमेंट नहीं किया। दोस्तों, आज मैं ऐसे 3 प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से आप म्यूजिक डाउनलोड भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं विदाउट एनी कॉपीराइट के। इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटा भी दबा दें, क्योंकि हम आगे भी ऐसे वीडियोज लाते रहेंगे। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म है वो है यूट्यूब लाइब्रेरी। दोस्तों, हमको क्या करना है, अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है यूट्यूब लाइब्रेरी। YouTube लाइब्रेरी सर्च करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस नज़र आएगा और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा YouTube लाइब्रेरी का ऑप्शन, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये सीधे आपको उस म्यूजिक पे लेकर जाएगा जहाँ पर आपको नो कॉपीराइट म्यूजिक मिलते हैं, आपको वहाँ पर लेकर जाएगा। और यहाँ पर आप सुनकर यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा साउंड इफेक्ट का, आपको वहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही वहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने बहुत सारे साउंड इफेक्ट नज़र आते हैं। दोस्तों, आप इसको सुनकर डाउनलोड कर सकते हैं और ये भी नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट है। दोस्तों, हमारा जो सेकेंड प्लेटफॉर्म है वो है यूट्यूब। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब हमें खुद नो कॉपीराइट म्यूजिक देता है। आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है NCS। आप जैसे ही NCS सर्च करते हैं आपके सामने एक नया चैनल ओपन हो जाता है नो कॉपीराइट साउंड का, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने वीडियो फॉर्मेट में MP3 की म्यूजिक आपको दिखाई दे रहे होंगे, आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है और अपने वीडियो के बैकग्राउंड में इसको यूज कर लेना है। दोस्तों, आपको सिंपल से एक काम करना है, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाना है और वहाँ पर लिख देना है म्यूजिक बाय, और इसके बाद में आपने उस वीडियो में जो भी म्यूजिक यूज किया है उस म्यूजिक का लिंक डाल देना। इससे क्या होगा कि आपका जो म्यूजिक क्लेम है वो नहीं आएगा। तो दोस्तों, जो हमारा थर्ड प्लेटफॉर्म है वो है जैप्स प्लेट। दोस्तों, आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में जाना है और वहाँ पर आपको क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। आप जैसे ही क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन ओपन करेंगे वहाँ पर आपको सर्च कर लेना है japsplate.com। आप जैसे ही japsplate.com ओपन करेंगे आपके सामने सबसे ऊपर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा उस पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा एक्सप्लोर वाला ऑप्शन, आपको वहाँ पे उस पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे साउंड इफेक्ट दिखाई दे रहे होंगे, ये ईमेल हुआ, बेल हुआ या फिर अदर कोई भी साउंड इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ से उसको सुनकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने म्यूजिक में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सिंपल सा क्या करना है, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और उस साउंड इफेक्ट के जो ओनर हैं उनका सिर्फ नाम लिख देना है। इससे क्या होगा, आपका कभी भी कोई भी क्लेम नहीं आएगा और दोस्तों लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिस तरीके से मैंने बताया है, अगर ऐसे आपने म्यूजिक डाउनलोड करके यूज किया है तो। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और नीचे कॉमेंट में बता देना कि ये वीडियो कैसी लगी और अगली किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटा जरूर दबा देना, क्योंकि हम आगे भी ऐसे वीडियोज लाते रहेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।